केएमसी कैंसर संस्थान, केएमसी हेल्थ सिटी, बागपत रोड, मेरठ, उत्तरी भारत का आधुनिकतम एवं अत्यंत सुरक्षित रोबोटिक रेडियोथेरेपी वाइटल बीम, जो साइबर नाइफ की तुलना में एकदम सही व सुरक्षित है। रैपिड आर्क से सुसज्जित संस्थान 24/7 हर प्रकार के कैंसर के ऑपरेशन, क्यूमोथेरेपी और प्रत्येक प्रकार की रेडियोथेरेपी व रेडियो सर्जरी उपलब्ध है। कैंसर को पहचानने के लिए आधुनिकतम पेट सिटी उचित शुल्क पर उपलब्ध है। बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज कराने के फैसले का शिक्षकों ने विरोध किया है। राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उत्तर प्रदेश महिला शिक्षक संघ ने आज इस फैसले का पुरजोर विरोध करते हुए जुलूस निकाला। शिक्षक नेताओं ने स्पष्ट किया कि आज धरने प्रदर्शन में मौजूद भीड़ किराए के नहीं बल्कि जिले के शिक्षक हैं। ये सभी शिक्षक प्रदेश सरकार की इस गलत नीति का विरोध कर रहे हैं। शासन ने बेसिक शिक्षा को प्रयोगशाला और शिक्षकों को यंत्र बना दिया है। यदि इसका विरोध करते हुए शिक्षक सड़क पर उतरा तो शासन फिर शासन नहीं कर पाएगा। उधर बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत शिक्षकों ने बेहद ही कम अपनी ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज कराई है। शिक्षकों का यह भी कहना है कि दूर दराज में बेसिक स्कूल होने के कारण वहां जैसे तैसे शिक्षक पहुंचते हैं, लिहाजा ऑनलाइन उपस्थिति प्रैक्टिकली संभव नहीं है। कमिश्नरी पार्क पर एकजुट हुए शिक्षकों ने कुछ इस तरह से सरकार की इस नीति का विरोध किया। देखिए, सत्यनिष्ठा से और समयबद्धता के साथ कार्य करता है, लेकिन ये सरकार पता नहीं अध्यापकों की नियत में चोट रहती है। जो हमें चोट समझती हो, हम आवाज उठाने के लिए तत्पर हैं। अगर हमें इससे बड़ी कुर्बानी देनी पड़ी तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, वापस लो। इस बारे में राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के जिलाध्यक्ष विकेश कुमार ने फर्स्ट बाइट डॉट टीवी को यह कहा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विकेश कुमार, मैं जिलाध्यक्ष राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ जनपद मेरठ से हूँ। और आज हमारे यहाँ जो सैकड़ों की संख्या में शिक्षक एकत्रित हो रहे हैं, वो इन अफसरों के तुगलकी फरमानों से परेशान होकर हो रहे हैं। सरकार चेत नहीं रही है। फरमान ये आ रहे हैं कि ऑनलाइन अटेंडेंस 8 बजे, आपको टिल 8 o'clock, 8:01 पे हमारा अध्यापक अनुपस्थित मान लिया जाएगा। जबकि जितने जिला मुख्यालय हैं, जितने तहसील मुख्यालय हैं, खुद निदेशक के ऑफिस में 85 कर्मचारी अनुपस्थित मिले, वो सब स्पष्टीकरण दे के बच जाते हैं। और यहाँ 8 बजे विपरीत परिस्थितियों में कैसे मौसम में कोई शिक्षक कैसे जा रहा है, 70 किलोमीटर दूर जा रहा है, मान लो 1 घंटे उसने प्रयास किया, 1 मिनट लेट हो जाता है, क्या वो एबसेंट माना जाएगा उस दिन के लिए? हमने 21 सूत्रीय जो मांग दी है कि पहले हमारी इन मांगों पे गौर कीजिए, हम ऑनलाइन अटेंडेंस देने के लिए तैयार है, लेकिन उस पे कोई सुनवाई नहीं हो रही है। केवल और केवल आदेश जारी करे जा रहे हैं, आदेश जारी करे जा रहे हैं, जैसे शिक्षक कोई चोर हो। बेसिक शिक्षा को प्रैक्टिकल बना के रख दिया गया है। यदि हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो सभी संगठन मिलकर पूर्णतः तालाबंदी की हद तक जाएंगे, पूरे प्रदेश में ताला। महासंघ के जिला महामंत्री डॉक्टर छोटू राम ने यह कहा। डॉक्टर राम, जिला महामंत्री राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ मेरठ। मैं डॉक्टर राम, जिला महामंत्री राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ मेरठ, आप सभी लोगों को यह अवगत कराना चाहता हूं कि जो हमारे पीछे भीड़ इकट्ठा हुई है, ये कोई रुपये या पैसे देकर इकट्ठा नहीं हुई है, अपनी अपनी समस्याएं लेकर सभी शिक्षक यहां आज इकट्ठा हुए हैं। और ये जो धरना प्रदर्शन और ज्ञापन की प्रक्रिया है, ये संपूर्ण प्रदेश में लाखों शिक्षक हमारे कर रहे हैं। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि बेसिक शिक्षा विभाग को शासन ने प्रैक्टिकल लेबोरेटरी लैब बना दिया गया है, और हमारे शिक्षक को एक यंत्र मानकर कार्य करवाए जा रहे हैं, जिसका शिक्षक संगठन, सभी शिक्षक संगठन विरोध कर रहे हैं। ज्ञापन देने जा रहे हैं, किसको ज्ञापन देने जा रहे हैं? ये हम माननीय जिलाधिकारी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दे रहे हैं, और हम शासन को सीधी सीधी चुनौती दे रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं। या तो वे अपने दिमाग को ठीक कर ले, होश में आ जाए, नहीं तो अगर शिक्षक सड़कों पे उतरा, क्योंकि शिक्षक राष्ट्र निर्माता है, चाणक्य का वंशज है, अगर सड़कों पे शिक्षक उतर गया तो शासन फिर शासन नहीं कर पाएगा। ये मेरी सीधी चुनौती है। इस बारे में जब जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी आशा चौधरी से वार्ता की गई तो उन्होंने यह जानकारी दी। मैम, एक नया फरमान जारी हुआ है, सरकार का आदेश है कि
जो टीचर्स हैं उनकी जो एंट्री है, जो अटेंडेंस लग रही है, वो किस प्रकार लग रही है और अब तक आपको क्या दिखाई दिया है, कुछ अमल होता नजर आया? टीचर्स की जो अटेंडेंस होनी है वो ऑनलाइन लगनी है टैबलेट के माध्यम से। तो अभी तक आज टाइम एंड मोशन के हिसाब से 7:45 से 8 बजे तक का टाइम है टीचर्स की अटेंडेंस का, और 30 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम दिया गया था अटेंडेंस लगाने के लिए। अगर कोई लेट आता है तो उसे अपना कारण बताना होगा। और अभी तक की जो अपडेट है, मैं मतलब पोर्टल से अभी निकल नहीं पाई है, जैसे पोर्टल अपडेट होगा मैं उसकी अपडेट निकलवाऊंगी, और उसके आधार पर कितनी अटेंडेंस हुई है और कहाँ नहीं हुए हैं उसके आधार पर जो भी होगा देखा जाएगा। मैम, कुछ इस तरीके के इशू आ रहे हैं कि जो डिस्टेंस पे हैं, लोग रह रहे हैं, 10-15 मिनट की लेट हो जाते हैं, उनके लिए थोड़ा सा वो घबरा रहे हैं, तो उस चीज़ को थोड़ा सा स्पष्ट शब्दों में समझ। नहीं, अभी तो अभी 30 मिनट का एक्स्ट्रा समय दिया गया है, 8 बजे से लेके 8:30 बजे तक का एक्स्ट्रा समय दिया गया है। अगर कोई लेट आता है, कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम हो गई है, तो उस अपना रीजन बताना होगा, उसकी अटेंडेंस लग जाएगी। तो आधे घंटे के अंदर पहुँचना अनिवार्य है। वैसे तो स्कूल हमारा टाइम एंड मोशन के हिसाब से 7:45 से 8 बजे के बीच में पहुंचना चाहिए, लेकिन क्योंकि आप लोग बता रहे हैं कुछ ना कुछ इश्यूज है देहात में, कुछ क्योंकि कुछ स्कूल दूर है, आने जाने में समस्या हो सकती है, तो 30 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम दिया गया है। एक्सप्लेन करना पड़ेगा। नहीं, 30 नहीं, हम एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि रीजन क्या रहा, क्यों नहीं पहुँच पाए वो समय पर। कुछ अभी ऐसे भी कुछ शिकायतें आई आपके पास कि कुछ नहीं पहुँचे हैं या अभी एक टाइम? नहीं, अभी मेरे पास ऐसी कोई शिकायतें नहीं आई। हम पोर्टल से अपडेट निकलवाएंगे, उसके आधार पर देखेंगे कि क्या स्थिति है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.टीवी। नमस्कार।